हेलो गाइस, कैसे हो? आज मेरा कौन से नंबर का व्लॉग मिलने वाला है किचन? पता नहीं, आई थिंक 4 वाला होगा। हाँ, 4 नंबर का व्लॉग देखने को मिलने वाला है। और ये हमारे पति देव जो कि हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे ससुराल। ससुराल ही है ना आपका? तो ससुराल नहीं, बट वो मेरा तो घर है। घर है मतलब पागल ही हो गई। नई नई व्लॉगर बना बना इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? बट आज हम लोग गुड़गांव से रोहतक जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी आई हुई है और ट्रैवल करने में भी मज़ा आ रहा है और कुछ खाने पीने के लिए भी रास्ते में हम ले लेंगे। मास्क पहनना पड़ेगा इस, क्योंकि कभी भी हमारा चालान कट सकता है। और ये देखो बाहर बारिश अभी भी आई हुई है और हम घर पे जा रहे हैं छोटी सी बेबी को वेलकम सेलिब्रेट करने। आई होप हम जल्दी से पहुंच जाए। अब पुलिस कितनी देर में आने वाली है? तब तो थोड़ा दूर आएगी। तो मैं मास्क हटा सकती हूँ ना? नीचे कर लेना ऐसे। फिर भी घुटन तो घुटन ही होती है। सच में यार बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखो गाइस, मतलब अमेजिंग। ट्रैवल करने में भी मजा आ रहा है। और ये देखो पीछे का भी और आगे का भी, वाओ मजा आ गया गाइस आज ट्रैवल करने में। सच में बस मेरे हैप्पी फीज और मिल जाए तो और ज्यादा मजा हो जाएगा यार। किसी ने 100 पे तो मिलेगी भी नहीं। लेकिन गाइस अब सामने वाला रास्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखना, यो मतलब आज ट्रैवल करने में एक अलग ही फीलिंग आ रही है। अदरवाइज तो इतना बड़ा रास्ता बोरिंग ही लगता है। ज्यादा लंबा तो नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत तो है। ये एम्स है ना किर्सन? हाँ। ये वाले एम्स हॉस्पिटल है। फोटो की दुकान कहाँ पे आएगी? कितनी देर में एम्स क्लोज हो गया है? गाइस मेरी जो फेवरेट स्पॉट है रास्ते में वो भी आने वाला है। एक ये है और एक और जगह है, दोनों ही मेरे फेवरेट है। यहाँ पे आई थिंक पुलिस वाले मिलते हैं, इस बार क्यों नहीं थे? नहीं थे, अंदर बैठे होंगे बारिश की वजह से। पॉसिबिलिटी सही है वैसे। रू ये फेवरेट स्टॉप है गाइस हमारा। और इसके यहाँ से पकोड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं जो कि अभी हम खाने वाले हैं। गाड़ी हमने साइड में लगा दिया है। ठीक है, फोन देना। हैप्पी फीज नहीं मिलेगी क्या? मेरी फेवरेट तो मिले ही नहीं, अब पता नहीं। चाय के साथ तो पकौड़े पता नहीं कैसे ही लगते होंगे। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और कोई है ना लकड़ी से मतलब गाड़ी की स्क्रैच मार के भी चला गया और मैं अकेली बैठी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ गाड़ी को मैं ही चला के लेके जाती हूँ, बट कहाँ तक लेके जाऊँगी पता नहीं। और ये भी पता नहीं कि सही सलामत लेके जाऊँगी या नहीं, क्योंकि आज तक तो मैं सिर्फ गाड़ी में बैठने का ही काम किया है मैंने। लेकिन मुझे पता है कि इसका कैसे क्या करना है, गाड़ी का चल जाएगी फिर ये। बट रिस्क नहीं गाइस, पता चला मैं भी ठुक गई और साथ में गाड़ी को भी ठोक दिया। चम्मच मिलेगी इनके पास? चम्मच वम्मच कुछ नहीं है। गरो गरो यार, इतनी तो मुझे लग रहा है हिल हिल के ही गिर जाएगी। हाँ सुन, गिर नहीं जाएगी चाय? चाय गिरेगी। और मैं क्या बोल रहा था, चम्मच नहीं है उनके पास है ना? ठंड आएगी सर, अब बंद ही कर दूँ पूरा। तेरी खिड़की बंद नहीं है क्या? है, नहीं है, है बंद। अरे उसके पास हैप्पी फ्रिज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो देखो बीकानेर वाला, पूछ क्या हूँ? पूछो, ये लाने दो। चाय पिएगी, हैप्पी फ्रिज पिएगी। मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे पकौड़े आ चुके हैं गाइस।
अब ये किस किस के हैं ये नहीं पता, आई थिंक एक तो आलू दिख रहा है और पता नहीं आलू और आलू गोभी पालक। हाँ तो इन तीनों चीजों के हैं ये। और ये चाय आज मैं पहली बार पकौड़ों के साथ खा रही हूँ, पी रही हूँ मतलब, है ना। हाँ और उन्होंने चम्मच भी नहीं दी मुझे चाय पीने के लिए। अब पता नहीं मैं कैसे खाने वाली हूँ पकौड़े। तो सच में गाइस बहुत अच्छे हैं, मतलब मजा ही आ रहा है खाने में। और आगे रोड भी देखो कितना अच्छा है। ऐसे ट्रेवल करने में खूब मजा है। अभी तो अभी टाइम लगेगा वहां घर पहुंचने में, आई थिंक 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा खुद जाकर। अच्छा उसके बाद, उसके बाद 40 घंटे यानी 40-30-70 मिनट अभी अभी लगने वाली हैं। बीच में पूजा करके तो रुकना है। हाँ तब तक हम पकौड़े भी खा रहे हैं। रात को वैसे बिकल ज्यादा होते हैं क्या? हाँ। मतलब खूब ही मजा आ रहा है, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। अभी आप थोड़ी देर मुझे ड्राइव करने दोगे सर या नहीं है? बताओ, वैसे तो आप मुझे सिखा नहीं रहे कि आप तो हाईवे पे मैं अच्छे से खुद ही चलाने लग जाऊं। अभी देखो मुझे जीना है और अभी मेरा जिंदगी से मन नहीं भरा है। अरे मैंने कब बोला है मेरा भर गया है? गाइस मैं भी जल्दी गाड़ी सीखने वाली हूँ, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा पाँच